क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। पांचों महाभूत संकट का कारण हो सकते हैं और उनसे रचित शरीर भी, चाहे कीटाणु का हो, चाहे पेड़ पौधों का, चाहे जानवरों का और चाहे मानव का। सोचिए, जब कसब जो थे रेलवे स्टेशन में घुसे और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दी, अगर आप वहां पर होते तो क्या करते? आप घबरा जाते, पैनिक कर जाते। वैसे यदि आप पैनिक ना करते, आपके पास कोई योजना होती, आपने पहले इसके बारे में सोच रखा होता और आप ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर बर्थ के नीचे घुस जाते, तो कसब की गोलियों से सर्टनली बच जाते, क्योंकि कसब को आपको ढूंढने में बड़ी परेशानी होती। इसलिए संकट, संकट से घबराहट और घबराहट का जवाब योजना है। आज जो योजना बनाते हैं वो कल बदल सकते हैं। अनुभव बढ़ जाए तो योजना बदल दीजिए। इसलिए हम लोगों ने एक फोरम क्रिएट किया, संकटमोचननागरिक.co.cc। इस फोरम में आप रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर करके यहाँ के वीडियो और स्लाइड्स देख सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बताई गई योजनाओं के साथ के अनुरूप आप उसको बदल भी सकते हैं और इसके बाद एक इम्तहान दे के हमको ये समझा सकते हैं, हमको ये बता सकते हैं कि आप कितना सीख चुके हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे के हम अपने से एफिलिएट कर लें और आपके पास पड़ोस में अगर कोई समस्या हो तो आपकी मदद लें। इस तरह से संकट मोचन नागरिकों का यदि जमाव शहर में पर्याप्त संख्या में हो जाए तो लखनऊ सुरक्षित हो जाएगा। तो सुरक्षित लखनऊ बनाने के लिए यह पहला कदम है। आपका इसमें स्वागत है और आप संकट मोचन नागरिक बनकर हम सभी को कृतार्थ करें। दूसरी बात ये देखिए कि ये सिस्टम एक वर्चुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई भी नॉलेज क्रिएट की जा सकती है, वीडियो के माध्यम से डाली भी जा सकती है, उसको लोग देख सकते हैं, उस पर इम्तहान दे सकते हैं और उसके पश्चात उस नॉलेज को यूज करके अपना और समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। तो संकट के नाम पे ये एक वर्चुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी क्रिएट हो गई। अब इसमें हम और भी साइट्स बनाएंगे जिसमें कि हम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में पहल करेंगे। धन्यवाद।